Hello, friends, good morning, all of you, and uh, welcome to Goro IS Study Institute. This is India's largest institute, and uh, you can watch live classes from best educators. And first of all, what you will get here if you take admission here the day live classes. In day live classes, you can chat with your educator, engage in discussion, and ask your doubts and all while the class is going on. And second is you will get main, uh, question, main question answer practice in main question answer practice. You can practice answer writing daily and you can improve your uh, writing skills and mains test series with you. Okay. Okay. And you can uh, you can give the live testes and uh, quizzes, you your preparation with our regular mock test and get detailed analysis on your performance. अगर आप यहाँ पर आते हैं यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी डे लाइफ क्लासेस जिसमें से आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं और अपने मेंस के कुछ आंसर प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए एंड लाइव टेस्ट क्विजेस है इससे आप क्या करेंगे कि अपने जो परफॉर्मेंस है उसको आप अच्छे कर पाएंगे जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं कैसे हम एनालिसिस करना चाहिए एंड कैसे हाउ टू एलिमिनेट एंड हाउ टू एनालिसिस इन द एग्जामिनेशन हॉल तो दैट तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि कैसे हम करेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा डेई लाइव डेली टेस्ट देने से सेक्विजे देने से और हमारी वेबसाइट पर क्या क्या अवेलेबल है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड प्रैक्टिस पर्सनल फीडबैक आपको दिया जाएगा आप जैसे ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो जो आप यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके मेल आईडी पर या आपके नंबर पर वो फीडबैक आएगा कि आपको कितनी अभी और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है एंड पी डी एफ़ फ़ाइल ऑल्सो सभी चीज़ की पीडीएफ फ़ाइल मिलेगी आप जैसे टेस्ट सीरीज़ देते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए टेस्ट दीजिए फिर आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड आल्सो है ना टेस्ट सीरीज़ तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं एंड आपके पास रही आएगी और उसे आप कभी भी उसमें देख सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं एंड उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स ओके एंड आपके लिए एक अलग से एक सेक्शन हमारे इसमें है जिसमें से आप स्पेशल सेपरेट स्टूडेंट के लिए जो उसमें आपकी क्वेरीज हैं और आपको जो नीड है यू कैन टाइप देयर एंड यू कैन आस्क तो आपको वहाँ से भी सोल्यूशन मिल जाएगा और हमारे ऑफलाइन बैचेस अभी तो कोविड का दौर चल रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ऑफलाइन बैचेज अभी रुकी हुई हैं लेकिन हमारे ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हैं यहाँ से जिसमें से फेस टू फेस क्लासेस होती हैं जिसमें एजुकेटर आपके सामने आएंगे और पढ़ाएंगे सेकंड आपको है यू विल टेक द दे वैल्यूड डायरेक्ट क्लासेज फ्राम द बेस्ट टीचर्स या आर एजुकेटर्स यहाँ पर हमारे जो बेस्ट फैकल्टी होंगी उनके द्वारा आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी जो इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपके सामने होंगी और प्लस यहाँ पर स्पेशल सेसन जैसे सिलेक्टेड बेरूकैट्स जो हमारे यहां आई एस पीसी आ, आई एस है, है कोई फेमस पर्सनैलिटी है या ब्यूरोट्स में जो अभी इस समय आईपीएस हैं इस तरीके के लोग यहाँ हम बुलाएंगे यहाँ पर आपको वो उनसे आप मोटिवेट होंगे आपको गाइडेंस करेंगे वो गाइड करेंगे कि कैसे हमें आगे करना है और कैसे हम सफल हो सकें कैसे हमें ये चीज़ें मिल सकें इन सभी के बारे में ये आपको मिलेंगी हमारे फैकल्टीज़ के बारे में जान ले पहले सबसे पहले कि आपको यहाँ पर क्या ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन कौन क्या पढ़ा रहा है तो सबसे पहले ए के चौधरी सर ए के चौधरी सर जो आपके आपको पढ़ाते हैं एथिक्स यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पढ़ाएंगे और इंडियन सोसाइटी इंटरनल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस एंड सोशल इश्यूज़ एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी आप अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशोलॉजी पढ़ना है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं ही इज़ अ टॉप एजुकेटर यू कैन से ये टॉप एजुकेटर हैं हमारे यहाँ के टॉप फैकल्टीज हैं इंडिया की आप इन्हें कई जगह इन्होंने पढ़ाया हुआ है और इसके बाद आप आलोक रंजन सर आलोक रंजन सर आपको फेस से ही दिख रहा होगा कि इज़ अ वेरी ब्रिलियंट मैन एंड देखने में भी ऐसा लग रहा जैसे है जैसे साइंटिस्ट हैं सर हमारे तो ये भी आपको बहुत इकोनॉमिस्ट हैं सर हमारे और ये बहुत अच्छे फेमस पर्सनालिटी हैं और बहुत स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं सर इकॉनॉमी का और आपको इसमें सारा कुछ बताएंगे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा इकोनॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट होता है लेकिन सर इसे बहुत ईजी वे वे पढ़ाते हैं आ, अद, ये है दिस इज़ अमित कुमार ये दिस इज़ मी कह सकते हैं कि मैं हूँ जो कि आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी जियोग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स की जैसे द हिंदू अभी देख ही रहे हैं इसके बाद मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आती हैं और इन्वायरमेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट जियोग्राफी ये तो एक जैसा ही है तो ये मैं करता हूँ इसके बाद रामदयाल सर हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं सर ये आईआर के आईआर के फैकल्टी हैं जो आपके यहाँ पर पढ़ाएंगे तो सभी यहाँ पर जो टीचर हैं जो एजुकेटर हैं वो आपको एक्सपीरियंस्ड और कई जगह जो पढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है उन्होंने वो आपको यहाँ पर मिलेंगे सभी ठीक है इसके बाद अनिल कुमार सर ये आपको यहाँ पर इकॉनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके प्रिलिप्स और मेन्स में जो आपके पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी है सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो भी इंडियन इकोनॉमी में आता है वो सारी चीज़ की जानकारी देंगे इज़ अ वेरी ब्रिलियंट मैन ठीक है अब इसके बाद है एम के मोहित सर एम के मोहित सर है जो ये हिस्ट्री आपको जनरल स्टडी में पढ़ाएंगे जो कि पेपर वन में आता है एंड आपके प्रीलिम्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है और हिस्ट्री ऑप्शन भी पढ़ाते हैं सर ठीक है इसके बाद चलिए चलते हैं अब हम इसमें द हिंदू का जैसे हमने कहा था कि द हिंदू हमें पढ़ना है द हिंदू के बारे में हमें देखना है तो उसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो द हिंदू का आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को कि हमें क्या करना है और कैसे हमें पढ़ना है क्या चीज़ें ज़रूरी हैं तो सबसे पहले यहाँ द हिंदू से पढ़ते हैं एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे और इस एनालिसिस देखो क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिए कि हमें द हिंदू में कैसे पढ़ना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है हमें सारा चीज़ नहीं पढ़ना है आपको और सारी चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या हमें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से पॉइंट हमें उठाना चाहिए न्यूज़पेपर हमें टाइम पर ख़त्म भी करना है और पूरा पढ़ना है और इस इतना पढ़ना है कि जो एग्जाम में यूपीएससी पूछे फर्जी की चीजें नहीं पूछनी है तो सबसे पहले जैसे कि आपको पहला पेज है ये पहले पेज में आपको दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट ये आपके बगल में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट सेटअप टास्क फोर्स फॉर फो ऑक्सीजन एलोकेशन सुप्रीम कोर्ट ने बारह मेंबर की एक टीम है जो कि इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया हुआ है इसका सेटअप किया हुआ है और ये इसलिए है कि अभी आप देख रहे हैं कि इस समय ऑक्सीजन की और इस समय जो चल रहा है कोविड का दौर चल रहा है कोविड इस समय बड़ा स्पीड उसमें चल रहा है टॉप पे और कह सकते हैं कि क्राइसिस हर चीज़ की चाहे एजुकेशन से ले लो चाहे जहां से अब आपको ऑनलाइन क्लासेस आपका शुक्र है कि आप सोचो कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है मार्केट में डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं और गौरव आयस आपके लिए पूरा ध्यान रखेगा कि जो भी चीज़ें आपको नीड है ज़रूरी है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी तो सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेटअप किया है ऑक्सीजन के लिए टास्क फोर्स सेटअप किया है जो ट्वेल्व मेंबर की टास्क फोर्स है ये इसमें बारह बारह लोगों की टीम है जो कि इस पर काम करेगी इसके बाद इसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें बारह की जो है नेशनल टास्क फोर्स जो इसमें बनाया गया है इसके लिए इंश्योर करेगा कि जो इफेक्टिव एंड ट्रांस ट्रांसपेरेंट किस चीज के लिए करेगा इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट जो कि अभी तक क्या होता था कि ऑक्सीजन अभी जैसे हाल ही में अभी देखा गया कि जो ऑक्सीजन पहुंच रही है बहुत जगह ऐसे जो आपके कह सकते हैं हॉस्पिटल्स हैं उनमें रखे भी हैं कुछ लोग बीच से ले ले रहे हैं या फिर कहीं कभी कहते हैं कि ट्रक लुट गए तो ये सभी चीज़ों की एक ट्रांसपेरेंटी और इसका सही से काम करना सही से काम कैसे हो पाए उसकी चीज़ों में और जो हमारे जो कोविड के दौरान हमें जरूरी है और ये एक ये चीज़ करेगा जो यूनियन टेरेटरीज़ हैं और स्टेट्स हैं उनको कितनी ज़रूरत है या उनके लिए क्या चाहिए कैसे और क्या साइंटिफिक एंड रिलेशन रिलेशन कह सकते हैं रेशनल एंड द इक्विटेबल बेसिस पर उन्हें क्या ऑक्सीजन चाहिए और मेडिकल uh, क्या चीज़ें ज़रूरत हैं कैसे उन सभी को ये uh, उनके बारे में बताएगा और उनको जो फुलफिल करेगा उनकी जो डिमांड है उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी करेगा इसके बाद uh, इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ऑक्सीजन फॉर बेड ठीक है इसमें ये भी कहा गया है कि uh, जो डिसस्टिफिकेशन uh, आप कह सकते हैं एक्सप्रेस इस एट द सेंटर अर्लियर किस चीज़ पे ऑक्सीजन uh, फॉर फॉर्मूला इस पर भी ये देखेगा इस पर भी काम करेगा और इसमें जो इन्होंने बनाया है इस चीज़ को लिए उसको जो टास्क फोर्स जिन्होंने इस को लेड कर रहे हैं वो हैं आपकी लीड करने वाले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इन्होंने दिया और इस चौ चौबीस पेज का ये ऑर्डर था जो सैटरडे को रिलीज किया गया है और यानी कल हाँ आपको रिलीज किया गया है इसमें इस सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें और भी बताना चाहूंगा आप इसमें जो कि इसमें देख सकते हैं मेंबर के नाम है जो आपको देखना चाहें तो पढ़ लीजिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बारह मेंबर है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा हाँ इसके आप ये थोड़ा सा देखना जरूरी है कि इसमें कौन कौन इसमें एक दो बंदे का जो शुरुआत जो इसके कौन काम कर रहा है एक तो सबसे जरूरी है कि इसको लेट काउंट कर रहा है तो आपके अबेंच लेट बाय जस्टिस डी वाई चंद्रा चंद्रचूड़ सॉरी चंद्रचूर है इन, ये कर रहे हैं। इसके बाद साथ में यहां से देखेंगे जैसे कि टास्क फोर्स में मेंबर जो वो कौन कौन से डॉक्टर भाप तो विश्वास फॉर्मर वाइस चांसलर हैं ये आ, इसके बाद आप देखेंगे वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस तो ये सभी एक मेंबर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं वैसे मेन ये ये सारे यहाँ के नाम लिखे हुए हैं इनके तो ये आप देख लीजिएगा तो इतना इंपॉर्टेंट ये नाम नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए जरूरी था ठीक है ओके गाइज तो नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे अभी इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आपके जो डी है ना डी ने इसको जो कोविड नाइन्टीन एंटी कोविड नाइन्टीन डायरेक्ट डेवलप किया गया है डी के द्वारा और ये दिल्ली में इसके लिए शुरुआत की गई है यहाँ पर तो ये जो कि इमरजेंसी इस समय देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी चल रही है लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कोविड में अभी कल की न्यूज़ में भी था कि अभी हाल ही में वहाँ हैदराबाद में जो चिड़ियाघर है जू है वहाँ पर लॉइन को एक को कोविड पॉजिटिव निकला हुआ है जिससे ये बताया जा रहा है कि अब जानवरों के सभी जो जो है डेली में या कहीं भी इंडिया में उन सभी को रोका जाएगा वहां पर विजिट करना अब वो कर दिया जाएगा बैन कर दिया जाएगा वहां पर कोई नहीं जाएगा प्रोविडेड होगा और वहां पर अब क्या है कि आप सिर्फ जानवरों से भी आपको दूर रहना चाहिए और साथ में ये भी कल की मैंने न्यूज़ देखी भी थी और आपको बता दूँ कि इसमें एक और आया है फंगस कि जब कोविड हो रहा है किसी को तो उसमें फंगस वाली बीमारी हो रही ब्लैक फंगस करके और साथ में उसकी क्या है इम्यूनिटी पेट में दर्द है और भी उसके फैल रही हैं तो ये ऐसा भी हो जो निगेटिव हो रहा है ना उनको भी ऐसा हो रहा है उसका कारण ये होता है, ब्लेट ब्लेट होता है है ब्लड ब्लड क्लॉट जो वो भी सही से काम नहीं कर पा रहे ये भी इसकी समस्याएं आ रही हैं लेकिन चलिए इसमें देखते हैं वो भी, आ, अगर, वो भी अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में डेवलप किया हुआ है एंटी कोविड नाइन्टीन ड्रग के लिए और इन्होंने देख सकते हैं कि इसमें जो इन्होंने ये कह सकते हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की और क्या चीजें हैं इसमें तो सबसे पहले इसमें देखें कि जो देख लें यूज टू डि डी ग्लूकोज टू डी देखो ये नाम बहुत जरूरी होती है of, इसमें क्या यूज कर रहे हैं इसको ये आपने देखा होगा से दिख रहा है आपको चलिए इसमें पेन तो नहीं आ, काम कर रहा है इसमें तो मैं इसमें अभी आपको दिखा देता हूं ये आपको देख लीजिए रे ऑफ होप जहां पर लिखा हुआ है कि यूज ऑफ 2 Deoxy and uh, -gluc uh, D glucose 2DZ in COVID 19 patients showed in a higher. प्रोपोर्सन ऑफ दफ़ दैम एंड रिकॉर्ड फास्टर पी टी पी सी आर निगेटिव कन्जर्वेश तो ये क्या होता है कि ये जो आपका निगेटिव के जो कन्वर्जन है निगेटिव कन्वर्जन में ये बहुत तेज़ी से काम करता है अगर ये ऐसा होता है तो पेशेंट में ये दिखाने लगता है निगेटिव ज़्यादा दिखानेता है और ये काम कैसे करता है ये ड्रग्स जो है कि जो एक तो वाटर में वो है डिज़ोलविंग है वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और इसे कह सकते हैं जो पाउडर के रूप में होती है इसे वाटर में डालने के बाद फिर इसे ओरली कह सकते हैं कि टेकन ओरली बाय द डिजोल्विंग इन इन इट वॉटर तो ये कह सकते इसके बाद ये कह सकते एकमिलेट ये क्या करता क्या है कि वायरस जो है इनफैक्ट जो सेल है आपके जो आपके जो आपके स्टॉपिंग वायरस सिम्टम्स सिंथेसिस जो आपके देखो इसका कोविड का जो मेन प्रॉब्लम ये है जो सार्स टू है तो वो क्या करता है जब बॉडी में जाता है बॉडी में जाने के बाद ये क्या करता है कि पहले तो इसे बॉडी इसे रोकती है कि एंटीबॉडी कि आप ये नहीं करें ऐसा काम लेकिन जब ये फिर वहीं पर ये डेवलप होना शुरू करती है और उसी के खिलाफ शुरू ये काम करना स्टार्ट कर देती है अंदर ही तो रिवर्स में इतना ज़्यादा फैलना स्टार्ट कर देती है फिर बॉडी में पूरे में कवर करती है तो ये अंदर ही अंदर फैलता है उसको क्या करेगा ये इनफैक्ट ये प्रिवेंट करेगा उससे रोकेगा उस ग्रोथ को और जो सिम्टम्स uh, हैं इसके जो आप कह सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन है उसको भी स्टॉप करेगा इसकी जो कोविड का होगा जो इसकी एनर्जी है जो बहुत तेजी से फैलने की जो आपके सेल्स प्रॉब्लम uh, करती हैं सेल्स को इन्फेक्ट कर इन्फेक्टेड करता है उन सभी को ये रोकेगा इसके साथ साथ इसमें कहा जा सकता है कि ये इसकी अभी ट्रायल इसका किया गया है ट्रायल शुरुआत इसका कर दिया गया ट्रायल ट्रायल के लिए लाया गया है इसमें देखा गया कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे जितनी भी पेशेंट की डिपेंडेंस है या उसको जरूरत है और रिकवरी रेट जो है वो बहुत फास्ट है इसमें बहुत तेजी से हो रहा है काम कर रहा है उस पर और जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो डिपेंडेंस वो कम कर रहा है कि दो दोनों चीज़ें एक तो आपको रिकवरी अच्छी कर रहा है दूसरा ऑक्सीजन की जरूरत है वो कम कर रहा है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसके बाद अगर हम इसमें और भी चीज़ें थोड़ा सा इसमें देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जो हमारे इसमें कंट्रोलर है डी डी सी जी आई ये इन्होंने इसकी परमिशन दी है कि uh, जो एंटी कोविड 19 है एप्लीकेशन ऑफ द टू एंड ये नाम याद रखना ठीक है टू डी ऑक्सी डी ग्लूकोस ये बहुत जरूरी है ये नाम याद रखना कभी भी एग्जाम में आएगा तो अगर uh, इसका डीआरडी से रिलेटेड तो डीआरडी में एक नया चीज है कि जो इसमें काम कर रही है इसके बाद कह सकते हैं कि इसमें डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूकुलियर मेडिसिन एंड द अलियान साइंसेस इसमें जो काम कर रही है किसके साथ ये और इसके साथ किसने काम किया ये है ये जो किया डीआरडीओ ने लेकिन डी का एक ये भी है लैब है ये की जिसने इसको तैयार किया है कौन सी लैब ने तैयार किया है तो आपको बताना है मतलब आपका ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड डेवलप किया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें कहेंगे कि ये कोलॉबेशन किसके साथ हुआ डॉक्टर रेड्डी लेबोर्टीज के साथ इन्होंने किया हुआ जो है हैदराबाद में लोकेटेड है तो उसके साथ ही साथ में मिक्स दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया हुआ इस ट्रक को और इसको कैसे सैटरडे को ही रिलीज किया गया रिलीज की गई है और इसके बाद इसमें ये काम करेगा हमारा जो मैंने बता दिया इतना ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए बाकी चीजें वही है चलो आगे चलते हैं हमें और क्या जरूरी है अगर हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है जैसे इसमें देखा है टेनकिल ब्लास्ट इन लाइम स्टोन क्वारी इन द आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में देखो आपको ये दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश में ये अभी आ, इसमें यह कह सकते हैं कि इसमें लाइम स्टोन है जो उसमें ब्लास्ट हुआ है वो एक्सप्लेशन हुआ है उसमें तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर जो वर्कर काम कर रहे थे उनकी काफी वर्कर्स खत्म हो गए हैं इसके से और इसमें एक चीज कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे उठाएगा पिकअप कैसे करेगा वो तो इसे पिक पिक ये करना है यूपीएससी को कि ये लाइम स्टोन किस में आता है कि एग्नियस रॉक में आता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक में आता है या फिर मेटामॉर्फस में आता है मेटामॉर्फस में तो नहीं आता लाइम ही चेंज हो जाता है किसमें क्वार्टजाइट में तो क्वार्टजाइट तो हो गया मेटे लेकिन लाइमस्टोन किस में आता है ये ए, सेडिमेंट्री में आता है या फिर उसमें आता है आपका एग्नियस रॉक ये कल के उसमें मैं डिस्कस में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन तो आप कमेंट में इसमें कर दीजिएगा मैं कल इसका आंसर दे दूंगा आपको ठीक है तो बह, बहुत इजी है वैसे अगर देखना चाहेंगे कि इसमें सेडिमेंट्री में क्या होता है लेयर बाई लेयर तो अगर आपको पता होगा कि इसमें लेयर बनती है कि नहीं तो वो हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक ठीक है और अगर ये लेयर नहीं बनाता डायरेक्ट इसमें आ जाता है कोई लेयर नहीं होती फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं और इसमें दे हैव नो स्ट्रेटा दे डोंट हैव टा एंड दे डोंट हैव फॉसिल्स दैट इज इग्नियस रॉक ओके अगर इसमें फॉसिल्स हैं स्टेटा है तो ये स्टेडिमेंट्री में आएगा इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है तो आप कल इसमें बता देंगे ठीक है तो ये कपड़ता ये कहां पर आया है ये थोड़ा सा देख लेंगे तो ये आपका एक गांव है पल्ले मपी, मपीला पल्ले विलेज है ये इन कर, कड़ापा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के तो वहां पर अभी हुआ है कल ही अचानक से तो इसमें आपको बस यही क्वेश्चन इससे बन सकता है बाकी इसमें कोई क्वेश्चन दूसरा बनने की उम्मीद नहीं है ठीक है चलिए आगे इसमें देखिए ये तो पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें और ये है जैसे कि इसमें आप देखेंगे कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर्स इमिडियटिक ये भी इतना ये थोड़ा सा अगर चाहे तो इसमें देख सकते हैं ये उनके लिए है जो आपके जो जेल में है कैदी हैं प्रिजन्स हैं उनके लिए कहा गया है कि वहां पर भी लगभग लग लग दो लाख केसेस चार लाख केसेस हैं ऐसे जो जो पॉपुलेशन है इनकी कैदियों की जो वहाँ पर है और इन्हें सेकेंड वेव से बचाने के लिए बात की जा रही है तो ये इतना खास नहीं है जो आपके एग्जाम में आ सके जो खास है हम उस पर चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या ज़रूरी है अब देखिए इसमें से चेक कैसे देखते हैं ये आपका देखो इसमें कुछ नहीं है इनमें ज़रूरी है नहीं जो चीज़ें डेली चल रही होती वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूंगा अभी काजीरंगा का इसमें है न्यूज़ काजीरंगा है साइंस एंड टेक है जब हिंदू का एक तो संडे वाला तो बिल्कुल मत छोड़ा करो हिंदा हिंदू का क्योंकि संडे वाला इतना इंपॉर्टेंट होता है उसमें आपको साइंस एंड टेक का और प्लस आपकी बहुत सारे साइंस एंड टेक तो सबसे इंपॉर्टेंट आता ही आता है उसमें और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साथ में जो इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो चीज़ें आती हैं ठीक है चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे ये इसमें इम्पोर्टेंट है ये पहला जो न्यूज़ है ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ई यू इंडिया री लॉन्च एफ टी ए टॉक साइन कनेक्टिविली कनेक्टिविटी पार्टनर्स ये इसके बारे में हम देखेंगे ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे इसमें एक काजीरंगा वाला भी है और एक साइंस का साइंस एंड टेक में एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा और उस चीज़ पे तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये है क्या चीज़ और इस पर क्या बात हुई हमारी तो ई EU, मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है ई के और इसमें ट्वेंटी इस समय वो कह सकते हैं इसके जो मेम्बर हैं ट्वेंटी सेवन मेंबर है और अभी हाल ही में ई यू के साथ अभी ब्रिक्सिट डील हुई थी यू की तो ये भी याद रखना चाहिए कहीं से भी देखो यूपीएससी क्या होता है कि उसका हिडन एजेंडा होता है वो कहीं से भी आपको जोड़ सकता है तो आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ क्या बात हो रही है कैसी बात हो अगर यूरोपियन यूनियन आए तो आपकी पहले भी न्यूज जितनी भी है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड वो सभी आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए और पिछले साल का भी पिछले साल इसमें दस कंट्री ऐड हुई थी और यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन uh, यूनियन में पिछले पहली कंट्री ऐसी थी यूके जो अलग हुई थी इससे और इस बार उससे ब्रिक्सिट यानी डील इसके साथ फिर से हुई है इसकी उसको लेकर ट्रेड के लिए जिसमें से उसको नो no लिमिट uh, कोई अनलिमिटेड uh, ले सकते हैं सामान uh, ट्रांसपोर्ट कर सकता है सामान उसमें कर सकते हैं कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है जो आपको डॉक्टर या इंजीनियर जो बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ यूरोपियन कंट्री हैं वो अपने हिसाब से उसमें लगा सकती वो लेकिन ट्रेड में कोई नहीं लगा सकता तो ये चीज़ें होती है तो यहाँ पर भी हाल में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक एग्री एग्रीमेंट हुआ है जिसमें आप कह सकते हैं कि रिलॉन्च किया गया फिर से फ्री ट्रेड नीगोशिएशन बाय द रिज्यूमिंग टॉक इस टॉक के द्वारा ये बात के द्वारा ये पता चला है कि जो आपके जो ट्रेड होता था वो फ्री निगोशिएशन होगा उसमें कोई मोलभाव नहीं किया जाएगा अभी इसमें सही से किया जाएगा इसके बाद जो कि 2013 में 2013 के लिए बाइलेट्रियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें सस्पेंड कर दिया गया था इसे कि जो हमारा फ्री ट्रेड था उसे हटा दिया गया था कब टू ये सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान ध्यान रखना बी टी आई यानी बायोलिट्रल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ये 2013 में हुआ था जो कि सस्पेंड कर तो, 2013 में पहले इसके पहले फ्री ट्रेड था वो वो क्या कर दिया गया था वो ए, सस्पेंड कर दिया गया था अब वो फिर से रिज्यूम कर दिया गया है फिर से उसे स्टार्ट कर दिया गया है फ्री ट्रेड रिलॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इन इट वर्चुअली जो कि ऑनलाइन इनमें मीटिंग हुई है जो कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला डेर लेन ये हैं इन, इनके साथ और प्लस आपके यू काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल इनके साथ इनका और इसमें मैंने बताया जैसे ट्वेंटी सेवन लीडर जो हैं इधर ये भी इसमें साथ में थे इन पोर्टुगल ऑन सैटरडे ये सभी जिसने ट्वेंटी सेवन इसके जो कंट्रीयां हैं जो इसमें मेंबर हैं वो भी इसमें सभी उसके जो सीनियर या लीडर्स लीडर हैं उसके वो सभी इसमें थे आ, उस टाइम पे मीटिंग के दौरान वो भी उपस्थित थे वो भी प्रेजेंट थे और इसमें यही डिस्कस किया गया प्लस इसमें ये भी बात की गई है कि इसमें कोविड में ये भी डिस्कस किया गया मीटिंग में कि कोविड से कैसे निकला जाए आगे रिकवर किया जाए और क्या इसके लिए ज़रूरी काम है कैसे कैसे स्टेप उठाए जाए जो हमारे लिए जरूरी हो तो इसमें बात ये हुई कि जो हमारे इसमें बात ये होती ही साथ में इसमें ये भी कहा गया कि इसके लिए जो पार्टनरशिप कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन प्लान टू कारपोरेट टू ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड द साइन द कॉन्ट्रेक्ट एंड सेकंड जिसमें से वन फिफ्टी मिलियन डॉलर फ्रॉम दू फॉर दुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए देने की बात कही गई है कि हम इसमें लगभग वन फिफ्टी मिलियन डॉलर आपको देंगे जो कि ई यू के द्वारा कहा गया है और इसमें साथ में ही सा, सा, साथ में ये भी है इंडिया ने भी कहा है कि हम सिक्योर सपोर्ट ऑफ द यूरोपियन लीडर्स ऑफ इट्स प्रपोजल हम उसके सपोर्ट कर दें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर हम सब आ, और साथ में कोविड के लिए तो बात हमेशा हर मीटिंग में होती है तो यही इंपॉर्टेंट था और इसमें कुछ खास नहीं ठीक है तो इतना जितना था वो मैंने बता दिया कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने प्रोजेक्ट के लिए बात की और प्लस इसमें फ्री ट्रेड की बात की है तो पहली बार ऐसा हुआ है तो आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है जिसमें से आपके लिए बहुत ज़रूरी था ठीक है चलिए अब इसमें ये तो पेंडेमिक वेबिनार ये तो कोई बात ये बार, ये न्यूज़ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना मुझे लगता है क्योंकि इसमें अगर इंपॉर्टेंट ये है तो ये है कि सभी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाए ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है और दिल्ली में भी डेली में भी ऐसी बात की गई तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जब भी हम देखें न्यूज़ में तो थोड़ा सा इस चीज़ों को जरूर देखा करें ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया दिखाई दिया है ये भी आपको मैंने बताई बात अच्छा जो इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने काजीरंगा का बार 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 जिक्र कर रहा था वो ये है काजीरंगा वाला ठीक है काजीरंगा अभी हाल ही में काजीरंगा वाला ये जो पार्ट आ रहा है दिख रहा होगा ये मैं अभी इसमें कहां गया चलिए काजीरंगा का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ये क्यों चर्चा में आया है उसका कारण क्या है ठीक है तो यहां से काजीरंगा में यह आया हुआ है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द काजीरंगा में शुरुआत किया जा रहा है कि इसमें जो uh, कह सकते हैं कि थ्री वॉयेशन इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन बाय द रिसोर्ट तो लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानेंगे काजीरंगा uh, काजीरंगा क्यों इंपॉर्टेंट है काजीरंगा में वन वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं जो वर्ल्ड का वन uh, कह सकते हैं कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाला हाई डेंसिटी वाले ये है एक ये एक पोबीतारा पोबीतारा को मिनी काजीरंगा बोलते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नेशनल पार्क है दोनों में फ़र्क है और इसको जब फॉर्म्ड हुआ था इसको फॉर्म करने वाली मैरी कर्जन 1908 में इसको फॉर्म्ड करने के लिए रिकमेंडेशन किया था कि रिकमेंड किया था कि आप ऐसा करिए इसको एक बनाया जाए फॉर्म किया जाए जो जानवरों के लिए अवेलेबल हो तो इसमें किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा जो रहते हैं वन हार्डनोज रहते हैं और इसमें ये अभी इसलिए न्यूज़ पर आ गया क्योंकि कार्ड इसमें यह था कि न्यूज़ पर आने का कि इसमें अभी वो कुछ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं कॉरिडोर किस चीज़ के लिए बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे टाइगर टाइगर रिजर्व के थ्रू टाइगर रिजर्व और काजीरंगा पार्क से कि यहाँ पर आने जाने में जो जानवर हैं या फिर वो अपने के लिए वो नहीं कर रहे फ्री अपने को फील नहीं कर पा रहे या या उन्हें कोई समस्या आ रही है या उनकी मृत्यु होती जा रही है तो ये समस्या थोड़ा सा बढ़ती जा रही है क्योंकि जब कहीं भी कभी क्या होता है जब बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है या फिर क्लाइमेट चेंजेस आते हैं ऐसी कुछ समस्याएं तो उसमें होता क्या है कि इनके लिए जानवरों के लिए कॉरिडोर घूमने के लिए चाहिए कभी कभी एक जगह रह के आदमी बोर हो जाते हैं इसके लिए यहां पर कॉरिडोर बनाई जा रही है तो उसके लिए चर्चा में आ गया और इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें जो बताने की जो मुझे जरूरत है वो थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा इसमें दिख नहीं रहा तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इससे बताना चाहूंगा कि आपको ये दिख जाए यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि इसमें दिखे चलिए इसमें दिख तो गया अब आ गया है पहले नहीं आ रहा था तो ये आपको इसमें चलिए चलिए ओके ओके गाइस इसमें देख लेते हैं देखो इसमें जो मैं कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आ नहीं रहा था तो मैंने कहा कि चलो ऐसे ही बता देता हूँ ये असम में पड़ता है सबसे पहले तो आपको बता दो काजीरंगा असम में पड़ता है यहाँ से चार जो फोर मेजर रिवर हैं वो यहाँ से क्रॉस होती हैं पहले कौन कौन से एक तो ब्रह्मपुत्रा क्रॉस होती है ये भी आपको इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्वेश्चन यहाँ से होगा उठा के वो उसमें दे देगा तो एक तो पहली बात इसमें चार ऐसी नदियाँ हैं जो यहाँ से चार फोर रिवर्स हैं जो मेन रिवर्स जो यहाँ से निकलती हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्रा हो गया धनसिरी हो गई और एक जैसे कि एक वो है क्या नाम है उसका चार कंट्रीयां हैं इसमें जो चार कंट्रिया कह रहा हूं चार ऐसे वो नदियां हैं जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो अभी मैं दो के, एक धनश्री हो गई एक आपकी जैसे कि ब्रह्मपुत्रा हो गई और दो नदियाँ और हैं जो एक ही जैसे हैं दोनों के नाम एक में तो नाम लिखा हुआ है एक में नहीं लिखा हुआ तो दोनों एक जैसे ही हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें चलो तो मैं अभी बता दूंगा माइंड में आ जाएगा वो अभी इसको देखते हैं फिर इसके बाद तुरंत वो माइंड में आ जाएगा मेरे तो मैं इस पर भी डिस्कस कर लूंगा ठीक है चलिए इसमें देखिए ये है इस समय चर्चा में मैंने जैसे बताया कि एक तो ये पहली बात हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में हिमालय गहलोत और नागांव डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ठीक है इसके बाद इसमें जो मेन जरूरत की जो काम इस समय चालू किया गया वो ये है इको सेंसिटिव जोन है ये और इसे कॉरिडोर यहाँ पर थ्री एनिमल कॉरिडोर एटलीस्ट कह रहे कह रहे हैं बनाने की बात कही जा रही कंस्ट्रक्शन करने की जिससे मैंने बताया था कि ये कॉरिडोर बनाने की जिसमें इकोसेंसटी जोन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व के बीच तो इसमें कह रहे हैं कि दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेयर लॉर्ज uh, कह uh, okay, सकते हैं इसमें कि जैसे कि uh, 1300 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व दैट नाइन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर इसमें नाइन आइडेंट uh, जो एनिमल कॉरिडोर है उनको हम आइडेंटिफाई किया गया है इसमें से जो जरूरत की है सेवन दो जफ जैसे कि एक आम गुरी बागोरी चिराग और आपका देवशोर देवशोर हरमाती हाथी 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 एंड आपका ये है आपका एक जो कि सेवन ये है इन्हें भी आ, देखा गया कि ये भी कॉरिडोर में ही आते हैं इन्हें भी जरूरी है नौगांव से डिस्ट्रिक्ट से लेके हल्दी बारी और आप पनबरी कॉरिडोर के बीच जो गहलोत डिस्ट्रिक्ट है इनके बीच में बनाया जाए तो मेन आपके जो मेन एटलीस्ट uh, जो मेन थ्री uh, कॉरिडोर है उनको बनाने के लिए बात कही जा रही है कंस्ट्रक्शन करने की बात लेकिन अगर पहले से देखा जाए तो इसमें आइडेंटिफाई किए गए पहले से भी लगभग नाइन या नाइन एडिमल कॉरिडोर हैं जिसमें से उनमें से सेवन ये हैं जैसे कि आमुरी uh, uh, आमगुरी और बागोरी चिरंग uh, और uh, देवसोर हरमाटी हरमती हाथी नंडी एंड द कंचन uh, कंचनजुरी तो ये भी इसमें है जो कि नौगांव डिस्ट्रिक्ट से और जबकि ये हल्दी हल्दीबरी एंड पनबरी कॉरिडोर है और इन द गौलौत डिस्ट्रिक्ट में गौलौत डिस्ट्रिक्ट ये आपका जो हिमालय है हिमालय के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है गौलौत और नौगांव डिस्ट्रिक्ट ठीक है और यहाँ पर जो जो मेन है यहाँ पर चार टाइप के जो यहाँ सबसे ज़्यादा मेन एनिमल है फोर एनिमल है एक तो पहली बात राइनोज है वन हार्न एलिफेंट एंड टाइगर और इसके बाद आ, अदर भी है इसमें आ, साथ में इसमें देखेंगे एलिफेंट राइनोस टाइगर एंड बफेलो साथ में डियर एंड अदर एनिमल है लेकिन मेन इसके फोर हैं एक तो ए, सबसे जो फोर रहेंगे वो एनिमल एनिम सॉरी एलिफेंट टाइगर राइनोस एंड आपके बफेलो वो चीज रखेंगे और यही चीज है इसमें काजीरंगा को मैंने में बता ही दिया कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा ये कहेंगे कि आ, वो है राइनोस के लिए सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है और दूसरा जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी पार्क वाला डेंसिटी राइनोस वाला है जिसमें सबसे ज़्यादा घनत्व तो है इनका वो है आपके उनका नाम ले सकते हैं पोवीतोरा पोवीतौरा तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में भी देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें आप इसमें देखेंगे और साथ में जैसा मैंने अभी एक चीज़ बताया था आपको कि इसमें एक चीज़ ये देखना था हमें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि मिनी काजीरंगा में इसमें नदियाँ कौन कौन सी निकली हुई हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी तो पहले तो एक ब्रह्मपुत्र हो गई जो ब्रह्मपुत्र निकलती है और एक आपके मैंने बताया था कि धनसिरी हो गई धनसिरी के बाद एक आपकी और नदी है जिसका नाम है आ, एक नदी और है जैसे डिफ्लू हाँ डिफ्लू है एक डिफ्लू हो गई एक मोरा डिफ्लू दो नदियां और हैं डिफ्लू और मोरा डिफ्लू इन दोनों को भी आप इसमें चार नदियां हैं ये जो यहाँ से निकलती हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे कौन सा न्यूज़ में है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आ, आपको देखने लायक है जो यहाँ पर देखना चाहिए तो वो न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं जो कि ज़रूरी है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि होप सोर्स एज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एयरपोर्ट इन आसम टेक्स कमर्शियल विंग्स तो ये अभी ये है कि इसे कमर्शियल विंग्स में आसम ने लेता है इसको लिया है तो इसमें किस चीज के लिए लिया है तो वो थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि एयरपोर्ट है जो ये एयरपोर्ट बिल्ड फॉर द वॉर प्लेन्स इन थर्टीन थर्टीन थर्टी नाइन थर्टी थर्ड नाइनटीन थर्टी नाइन उन्नीस सौ उनतालीस में इन्होंने बिल्ड किया था और बनाया था और साथ में कहेंगे कमर्शियल विंग था इसके लिए अभी कमर्शियल विंग में इसे लिया गया है पहले कमर्शियल विंग में नहीं था और ये कहाँ पर स्थित है ये हमारा जो एयर ये, ये एयरपोर्ट है ये है कहाँ पर तो ये आप बताएंगे असम वेस्टर्न असम में धुबरी डिस्ट्रिक्ट में अबले ये स्थित है लोकेटेड है एंड आप कहेंगे कि ये हमारा कहाँ यूरोपसी एयरपोर्ट नियर द Guripur about, uh, about uh, fifteen km from the district headquarters Dubri or Easier port uh, uh, ports within a one point eight km runway used by the Allied aircraft. सप्लाइंग आर्म्स मैन पावर एंड एम्यूनेशन और टू फोर्स बर्मा एंड चाइना ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर अगर कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जब टाइम चल रहा था उस टाइम पर ये यहाँ से इसी एयरपोर्ट से यहाँ से सप्लाई किया गया था जो चाइना के चाइना बर्मा और आप जो फोर्सेज हैं मैन पावर है सब आर्मी है आर्मी मैन पावर ये सभी यहाँ से यूज़ किया गया था इसके लिए सप्लाई के लिए कि यहाँ से कैसे जाए और ये सेवंथ एयरपोर्ट है एंड फिफ्टीथ इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग बैंकोंग इन सिक्किम में तो ये इसमें ध्यान से समझना है कि कब काम आया था हमारा तो आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काम आया था इसलिए इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंध अब इसमें यूज क्या हम करते क्या है कि जब हम एग्जाम में पढ़ देखते हैं कि एग्जाम में क्या जरूरी होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जितनी भी अब फिजे वो हिस्ट्री में रहा होगा बैकग्राउंड उसको जरूर आप देख लीजिएगा मैं अगर यहाँ बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप इसे घर पर खुद देखें और इसे थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पढ़ें और कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप कमेंट में लिखेगा और बाकी अगर नहीं आता तो एक दिन हम इसमें टाइम रखेंगे जिसमें से जो आपके बैकग्राउंड है जो आपको नहीं अगर पढ़ पाते नहीं कहीं से मिलते हैं तो मुझसे आप पूछ लेंगे ठीक है तो उसमें हम बता देंगे इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारा 1965 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था उसमें भी इसने आ, काम किया था उस टाइम पे भी एडेवरी में इनटू प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी आप कह सकते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा जो पार्सियन वर्चुअली कैसा टर्न Dhupri into the prisoner prisoner of geography River Fort were closed after the India-China War 1965. एंड रेलवे सर्विस सस्पेंडेड यहाँ 1988 में जब ये सब सस्पेंड कर दिया गया था और यहाँ पर रिवर पोर्ट बंद कर दिया गया था जब ये लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ तो यही काम आया था उस टाइम पे यही काम कर रहा था हमारा ये जो एयरपोर्ट था ये वाला असम का इसने काम किया उस पर और सारी चीज़ें लेने ले जाने पर इस हमारे हेल्प की और जो आज के डेट में ज़रूरत थी तो ये सारी चीज़ें हैं बाद ये चीज़ें इसमें देखने की ज़रूरत थी और इसका बैकग्राउंड आप जरूर इसमें देखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा साथ में आप अगर ये देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखना चाहें तो ये देख सकते हैं मुझे लगता है ब्लॉक कोविड हॉस्पिटल उसमें ये कहा गया कि, ने, ये कहा है चैरिटेबल ट्रस्ट है, है जो एनिटीज हैं और होपिंग टू रिसीव द कोविड नाइनटीन रिलीफ मटेरियल फ्रॉम ओवरसीज इंडिविजुअल डोनर एजेंसीज एंड बी ट्रबल ध्यान समझना इस बात को यहाँ पर ये जो एफ सी आर एफ सी आर ए होता क्या पहले तो ये जान ले एफ सी आर ए फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि जो विदेशी कंट्रियाँ होती हैं वो हमारी हेल्प करें किसी भी तरीके जैसे कि अभी रसिया कर रहा है कि स्पुतिक नाम से अपनी जो वैक्सीन है उसने भेजी है यू ने बोला है इस चीज़ के लिए तो इसमें क्या होगा कि जो इम्पोर्ट और इसके लिए इम्पोर्ट के लिए ये क्या करता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें ये एक परमिशन देता है तो इसमें कहा गया है कि इसने क्या कहा इस बार थर्ड मे को गवर्नमेंट परमिटेड इंपोर्ट विदाउट जीएसटी इन्होंने कहा है कि जो पेंडेमिक रिलीफ जो मटेरियल आएगा उसमें बिना जीएसटी के इंपोर्ट किया जाए तो इस चीज़ के लिए था इसकी वजह से इसमें इसने अभी हाल ही में इस चीज़ में चर्चा में आ गया एफसीआरए फिर क्योंकि एफसीआरए से परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज़ के लिए तो ये चीज़ है इसमें और इसमें एसपी एफसीआरए ने जो है एफसीआरए इसने कह सकते हैं कि दैट रिक्वायर्ड द डोमेस्टिक एंटिटी रिसीविंग द फॉरेन मटेरियल एंड कैश डोनेशन एंड रिक्वेस्ट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सबसे पहले यहां से अप्रूवल लेना पड़ता है इन चीजों के बारे में और देखना पड़ता है उसमें जीएसटी तो ये चीज है बाकी कुछ नहीं, इंपोर्ट नहीं, तो ये बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा लगता कि मुझे पेज इस, इस में कुछ है चलिए आगे चलते हैं ये थोड़ा सा वर्ड वाला है पेज वर्ड पेज में इसमें देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है ये जरूरी है सऊदी अरबिया पाकिस्तान वो टू रिसेट टाइ सऊदी अरब एंड लॉन्ग स्टैंडिंग ए पाकिस्तान साइंड सेवरल एग्रीमेंट कुछ बहुत सारे एग्रीमेंट में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट अभी हुए हैं हाल ही में ये जो मंथ जा रहे हैं इन्हीं में लगातार होते जा रहे हैं और कुछ इसमें डिसएग्रीमेंट ओवर द पॉलिसी ऑन द कश्मीर डिस्प्यूट पर भी कुछ डिसएग्रीमेंट भी हुए हैं इनमें कहा गया है कि सऊदी अरब वैसे भी इसके इसमें जो जो कश्मीर वाला मामला था बहुत पहले से चल रहा है भारत और इसके जब से थ्री सेवेंटी हटाया गया है तब से ये ऐसा चल रहा है तो उस पर इन्होंने डिसएग्रीमेंट किया कि इस चीज़ में हम नहीं बहस करेंगे ना इसमें एग्रीमेंट करना चाहते हैं कुछ ऐसा लेकिन हाँ इस पर हम करेंगे बाकी चीजों पर जो आपकी जरूरत है उन पर किया जाए तो उस पर बात हुई है इसकी और उस पर लेकर इसमें प्राइम मिनिस्टर जी इमरान खान हैं और पाकिस्तानी जो 2018 कि दो हज़ार अठारह में इलेक्ट किया गया था और वेलकम सऊदी अरब ऑफिशियल ये इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगा कि कुछ खास है लेकिन आपको बता दूँ अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो इसमें एक ध्यान देना कि जो ओ आई सी होता ना ओ तो ओ क्या होता तो है संगठन है इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपोरेशन ये मैं आपको जो हमारा करंट अफेयर्स वाला चैप्टर होगा उसमें आपको बताऊंगा मैं पूरी तरह से डिटेल में उसमें समझाऊंगा आपको तो इसमें क्या है कि इसमें यही बात की गई है इन्हें अभी जब पेंडेमिक का दौर चल रहा है ये सारी चीज़ें और साथ में इसमें एक ही चीज़ ये भी कह सकते हैं कि इसमें वार्निंग दैट पाकिस्तान वॉज प्रेफरें कॉल फॉर सेशन आउट आउटसाइड ओ तो आई इसके लिए भी इसे वार्निंग दी गई है और इसमें जो कहेंगे कि जो लीडरशिप ऑफ द फिफ्टी सेवन मेम्बर फैन इस्लामिक बॉडी इसके लिए कह सकते रियाद इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव अबाउट द अबाउट एनी मूव माइट अंडर माइन इट्स लीडरशिप ऑफ फिफ्टीन फिफ्टी सेवन पैन इस्लामिक टूडे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इसमें जो आ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है अभी हाल ही में जो चाइना की वैक्सीन थी इसे सबको अलाउ नहीं कर रहा था लेकिन इसने डब्ल्यू एच ओ ने अप्रूव कर दिया है चाइना की जो वैक्सीन है उसके लिए जिसका नाम है सीनोफाम इसको वो कर दिया इसने अप्रूवल दे दिया है डब्ल्यू एच ओ ने द फर्स्ट चाइनीज जैब टू रिसीव द डब्ल्यू एच ओ ग्रीन लाइट ग्रीन लाइट मिल गई इसे पहली ऐसी चाइनीज जैब है जिसे डब्ल्यू एच ओ के थ्रू इसे मिली है तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख देख सकते हैं इसमें इन्होंने कहा है कि ये इसको इसका वो किया गया कि टेस्ट किया गया है जिसमें से ये सही रही दवा और विच इज़ ऑलरेडी बीइंग डेवलप्ड इन डोजन एंड ऑफ द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड तो इन्होंने कहा इस चीज़ को टू आ, टू डोज कह सकते हैं वैक्सीन है ये दो बार दी जाएगी और इसमें डब्ल्यू ने कहा ये ठीक है और हमने इसका कह सकते हैं वैक्सीन का जो बनाई गई है मेड बाय दिफ्य बायो बायो एंड टेक ठीक है ये चीज़ ध्यान देना एंड मॉडरेना जे एंड जे एंड द जेनेका इनके द्वारा ये बनाया गया है जो बनी है दवा वो इसके द्वारा बनाई गई है एक तो फीफिजर बायोन टेक मॉडरेना एंड जे एंड जे एंड जेनेका ये इसने मिलकर इसको बनाया हुआ जो कि प्रोड्यूस हो रही है एट द साइट इन इंडिया एंड साउथ कोरिया इसके बाद इसमें कहेंगे कि साथ में जो इसमें कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड है और इसके लिए फायदेमंद होगा उन्होंने कहा है और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि 79% नाइन परसेंट एस्टिमेटेड वॉज एस्टिमेटेड हॉस्पिटलाइज जो उनमें ये, ये काम करेगी और 79% नाइन परसेंट कह सकते हैं इसमें काम वो कर इस्टिमेटेड टू बी सेवेंटी नाइन परसेंट एंड यू कैन से ना एडल्ट ओवर टू सिक्सटी ये फ्यू अडल्ट वोट सिक्सटी इनरोल्ड एंड द क्लिनिकल वैक्सीन इटेंसी इसमें यह है कि जो जो सिक्सटी एज तक है उनके देने के लिए बात कही गई इसमें कुछ तो उन्हें तक दिया जा सकता है और ये सभी एज ग्रुप के वैसे तो ये सभी के लिए है कि कोई भी एज ग्रुप का इस वैक्सीन को ले सकता है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतनी एज से कम के ही बंदे ले सकते हैं इसमें सभी लोग ले सकते हैं और जो अब इम्पॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये वाला है ये वाला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा आज का इसमें बाकी तो वही वाला चल रहा है कोविड का ही चल रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो साइंस एंड टेक का पार्ट है ये वाला तो इसमें वर्ल्ड वर्ल्ड लाइफ फॉरेंसिस हेल्प द कॉज ऑफ द पेंगुलिन जो पैंग पेंगुइन होते हैं पेंगुलिन वो किस चीज़ कैसे हेल्प करेगा कैसे हेल्प करता है कॉजेज ऑफ पेंगुलिन के लिए वर्ल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेल्प करेगा हेल्प करता है इसकी तो इस चीज़ के लिए कैसे क्या है तो सबसे पहले बात तो देखें कि जो इसमें देखा गया है सबसे पहले तो ये है पेंगुलिन द लिस्टेड इन स्केड्यूल वाइल्ड लाइफ एक्ट सबसे पहले तो ये जाने कि कहाँ लिस्टेड है जो हमारा एक वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम हिंदी में कहें इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केडल फर्स्ट पे लिस्टेड है अच्छा स्केडूल फर्स्ट पे लिस्टेड का क्या मतलब होता है स्केडल फर्स्ट में जो लिस्टेड होते हैं ना उनका हम ट्रेड नहीं कर सकते उनके जो स्मगलिंग uh, होती है वो नहीं किया जा सकता ये सारी चीज़ें हैं वो, वो ये इन्वायमेंट में आप देखेंगे तो uh, एक्ट में तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मेमल है ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा और इसमें इसकी डिमांड है इसकी एस्किल के बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है इसकी स्केल के और एस्किल के साथ साथ ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है इसकी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो कि इसका इलीगल ट्रेड हो रहा है व्यापार हो रहा है इलीगल ट्रेड की वजह से इसको लगभग कह सकते हैं एवरी ईयर इससे जो इलीगल ट्रेड से कमाया जा रहा है इसमें लगभग टू पॉइंट डॉलर टू पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर एवरी ईयर वर्थ है ब इलीगल ट्रेड कहते हैं इस्टीमेट इलीगल ट्रेड को तैयार करता है इतना ज़्यादा सोचो इतनी बिलियन डॉलर पर ईयर सिर्फ इसके बॉडी से इसको जो पेंगु पेंगुलेंस है इसकी वजह से मिलता है तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर रोक लगाई गई है और इन द अप्रोव्रियट नेशनल इंटरनेशनल लॉ के तहत एंड ट्रैक द डिक्लाइन द स्पेसीज इनकी कमी होती जा रही है जैसे देखा जाए जितना ज़्यादा हम इसे वो सभी में मेडिसिन में यूज हो रहा है और इसकी स्किल की डिमांड ज़्यादा है तो इसकी वजह से इनकी संख्या जो है पॉपुलेशन है वो टिक्रीज होती जा रही जो कि कह सकते हैं किसने बताया इसके बारे में तो ये जेड इंडिया की है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कोलकाता में स्थित है इसके द्वारा पता लगाया गया एंड इस इन्होंने इसके इसके लिए अभी हाल ही में इस चीज को रोक लगाई कि अब इसे रोका जाए और तो इस, इस पे बैन किया जाए तो इस चीज पर चर्चा हुई और इसके बाद आपको जो देखना है इसमें जो एग्ज़ाम के लिए आपको ध्यान देना है समझना है देखना है वो ये है कि आपको वाइल्ड लाइफ एक्ट ये जरूर देख लीजिएगा 1972 और इसके बारे में जो इस्टीमेट कह इसका थोड़ा सा अगर देखें तो पेंग्विन जो चाइनीज़ पैंगुन दो टाइप के पैंग्विन हमारे भारत में पाए जाते हैं तो चाइन चाइनीज़ चा, 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 है दूसरा इंडियन है तो चाइनीज़ पैंग्विन जो आप कहेंगे तो ये फाइव टू सेवन ग्राम का होता है एंड अभी बीच में भी ये चर्चा चला था कि एक पैंगविन जो था वो निकल गया था और पेंग्लिन और ये निकलने के बाद इसे ढूंढ रहे थे इसका खतरा था कि कहीं मार न दिया जाए कुछ लोग खा ना ये तस्करी ना हो इसकी स्मगलिंग ना किया जाए इस तरह का केस ऑफ इंडियन पेंगुलिन गोज अपन तो पॉइंट फाइव के जी टू तो एट एट के जी जो इंडियन पेंगुल है वो ज़्यादा वेट होता है उसका और जो यहाँ जो चाइनीज पेंगुल है वो थोड़ा सा छोटा होता है तो ये कह सकते हैं इसके बाद इसमें जो अभी हाल ही में पेंगुल के जो अबाउट एस्टिमेटेड किया गया है दो हज़ार से दो हज़ार उन्नीस के बीच में तो एट लाख नाइनटीन नाइनटी फाइव थाउजेंड ग्लोबली अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो इतना हमने देखा इसको आ, लेकिन इसमें जो इंडिया जो एशियन है एंड और भी जो इसे कंजर्वेशन के नेचर में देखा जाए इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर आई के द्वारा इसमें देखा जाए तो इसमें कहा गया इंडियन पेंगुलिन जो है इंडेंजर में है इंडेंजेंट में रखा गया है आईसीएन के तहत और इसके चाइनीज पेंगुल हमारा क्रिटिकल इंडेंजेंट में है इसे भी सुरक्षा देने की जरूरत है और जो आईसीएन एक लिस्ट होती है आईसीएन लिस्ट में रेडबुक भी रेडबुक में भी रेडबुक में भी अभी, अभी रखा जाता है और आईसीएन में रखा जाता है तो आईसीएन में देखा जाए तो इंडियन पेंगुल को इंड uh, में रखा गया है और जो चाइनीज पेंगलुन है क्रिटिकली इंडियंजेंट में रखा गया है तो इम्पॉर्टेंट टू डेवलप प्रोटोकॉल ये एक जो जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कैसे डेवलप करने के लिए या फिर इन स्पीशीज को कैसे बचाया जाए तो वो कोई भी इसके लिए तरीका हो उसके लिए देखने की बात कही गई है और उसमें काम कर रहे हैं ठीक है तो इसमें वर्क किया जा रहा है इसके लिए स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए तैयार की रहे कि इसके जो लॉ इसके लिए लागू किया जाए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी कहा गया है कि वो भी वेरियस टाइप की जो एजेंसीज़ हैं पुलिस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम पेट्रोल ब्यूरो एंड द मैथड ऑफ आइडेंटिफाई जो भी इसमें इस एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी इसमें वर्क शॉप किया जाए और जिससे इन्हें बचाया जा सके ठीक है तो ये आज की हमारी रही इसकी बात और हमारा इसमें जो यू में है वो देखो आपको उससे रिलेटेड होना नहीं चाहिए कि स्पोर्ट उसमें आता नहीं तो आज का हमारा यहीं तक सेशन रहा तो थैंक यू गॉयस फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद कल हम फिर डिस्कस करेंगे ओके गाइज थैंक यू बाय बाय और हमारे इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी है तो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाऊँगा ठीक गैस तो ये हमारा ऑफलाइन का एड्रेस है जिसमें से अगर ऑफलाइन क्लासेस सब कोविड हटता है या कोविड से थोड़ा सा गाइडलाइन आती हैं तो यू कैन विजिट एंड आप यहाँ से विज़िट करें और हमारे यहाँ देखें और इस पे हमारे नंबर हैं इस पर ऑफिस नंबर है ऑफ़िस के और इस पर आप कॉल करके जानकारी बाकी चीज़ें जो आपको लेनी है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं इस पर भी पूछ सकते हैं बैचेज़ के बारे में ऑनलाइन बैचेज और ऑफलाइन बैचेज़ के बारे में ये हमारी वेबसाइट है जिस जिसपे आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अगर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है वहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसमें डेली करंट और बाकी चीज़ें आपको क्विजेस हिसाब भी मिलते रहेंगे और ये हमारा एड्रेस है जो कि हमारी क्लास का ऑफलाइन क्लासेस का है ऑफिस का वहाँ पर आप आ सकते हैं ओके गाइज थैंक यू बाय